बढ़ते हैं कवि सम्मेलन की ओर और, और मैं कोई धृष्टता इसमें नहीं करूंगी क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरती से लेकर के जो चलेंगे जिनके संचालन में कवि सम्मेलन देखने का हमारा हमेशा सपना रहता है और जो बा कमाल मंच संचालक हैं उन वो जब शब्द पिरोते हैं तो पूरा दृश्य उत्पन्न करते हैं कमाल का हुनर है उनके पास शब्दों का ऐसी शख्सियत डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को मैं बुलाना चाहूंगी कि मेरी है सभी में रिवायत मुझ में हिंदुस्तान भी है मेरी है ये सभी रिवायत मुझ में हिंदुस्तान भी है जिसने दुनिया की नज़रों में हर पल सिर्फ फ़कीरी जी उससे मिलकर पाओगे तुम उसमें एक सुल्तान भी है ऐसे सुल्तान ऐसे बादशाह शब्दों के बाजीगर अद्भुत मंच संचालक प्रवीण शुक्ल जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए ऐसे वाली तालियां हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के लिए यहां बैठे हैं तो इस दौरे हाजिर का हमारे हिंदी कवि सम्मेलन के मंच का सबसे बड़ा फकीर सबसे बड़ा हिमालय और जैसा पवन जी ने कहा कि दिल की धड़कन का यदि कोई पर्याय हो सकता है तो वो उनके रूप में बैठा हुआ है मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा सदन आगे से लेकर पीछे तक उनका स्वागत कर दे उनका अभिनंदन कर दे वंदन कर दे क्या कहूं अतुल जी उनके बारे में केवल दो पंक्तियां अचानक मुझे याद आती हैं अमीरी की तो ऐसी की क्या है आनंद दो पंक्तियों में यदि मुझसे कहा जाए कि दो पंक्तियों में कहिएगा उदिता जी सिरोही जी हिमांशु भैया बैठे हैं तो आप समझ जाएंगे कि जो उनको जानते हैं उनकी जिंदगी को जानते हैं उनके उनकी गीतों के फलसफे को जानते हैं कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे अमीरी की अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे फ़कीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे तो एक ऐसी शख्सियत जो दोनों दिशाओं में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिया है और मैं समझता हूं कि बहुत बाद में तमाम तरह की चीज़ें आ गई अभी मुमताज़ और मैं बात कर रहे थे यूट्यूब फेसबुक पेज मीडिया ये वो लेकिन हिंदुस्तान में जो आदमी उन्नीस में मंच का सबसे बड़ा स्टार हो गया था लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी जिंदगी की खासियत है कि वो क्या हैं वो खुद भी नहीं जानते कि मैं क्या हूं और यही खासियत उन्हें सबसे बड़ा आदमी बनाती है बताया अल्पना ने कि उन्नीस में मैं ना भूलूंगा इन कस्मों को इन रस्मों को रोटी कपड़ा और मकान उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उन्नीस में मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ तो मैं समझता हूं कि आज की शाम सब उनके नाम है हम सब इस कार्यक्रम को उन तक पहुंचाएंगे आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब उपस्थित हैं राज भाई हमारे विजेंद्र जी मुमताज जी अल्पना जी और मैं सब आपके चिर परिचित हैं एक बार मैं चाहूंगा कि सबके लिए थोड़ी थोड़ी तालियां आप बजा दीजिएगा सत्येंद्र जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कहाँ चले गए हैं हमारे सत्येंद्र भाई उन्होंने ये विचार बनाया कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए हिंडन उत्सव और इंद्र प्रकाश अकेला जी की भी एक पुस्तक उनके बेटे अनुभव यहाँ कहीं बैठे हैं तो उन्होंने मुझे बताई कि मेरे पिताजी ने भी इस हिंडन उत्सव से उन्हें याद आया कि हिंडन बचाओ जीवन बचाओ स्वच्छता रहनी चाहिए पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए तो उस सब विचार को सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं हम तो जब निकलते हैं तो उदिता जी द्वारा बनाई गई बनवाई गई इतनी सारी पेंटिंग्स नज़र आती हैं इतनी सारी लाइट्स लगता है कि गाजियाबाद किसी और ही दिशा में चल पड़ा है मतलब और दिशा मतलब सुंदरता की दिशा में स्वच्छता की दिशा में चाहे आशा जी को बधाई दें अतुल जी को बधाई दें और एक अलग तरह की फिजा जो स्वच्छता के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर है वो भी आज इन सब सितारों के रूप में यहाँ उपस्थित है मैं चाहूँगा कि समय बहुत ज़्यादा हो गया हमें बहुत शीघ्रता के साथ आगे बढ़ना है और इस रथ पर एक एक रचना हम सब सुनाएंगे बाद में संतोष जी को आज ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि आज की शाम उनके नाम है नहीं नहीं आप चिंता मत करो बात तक की बात नहीं होगी वो उन्होंने उनकी उम्र का तकाजा है उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद देने आया हूँ तो हम भी आपसे आशीर्वाद ही लेने की मुद्रा में हैं मैं सीधे सीधे मुमताज को आग्रह करूंगा कि वो आए माँ शारदे की वंदना करें आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें और मैं केवल यही कहता हूं कि जिससे जुड़े संसार वो संवाद दो हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो कर सके हम शब्द की आराधना माँ शारदे हमको आशीर्वाद दो तो माँ का आशीर्वाद और मुमताज नसीम जी के स्वर में उनके शब्दों में माँ के चरणों में वंदना होगी तो इस देश में मोहब्बत की खुशबू और ज्यादा बढ़ेगी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है तो बिना किसी तमहीद के बिना कुछ कहे मैं चाहती हूँ सीधे सीधे माँ शारदा के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करूँ और आप सभी लोगों का थोड़ी देर के लिए ध्यान अपनी तरफ चाहती हूँ हाजिर कर माँ, मा, के हमको जरा रोशनी दीजिए आके के हमको जरा रोशनी दीजिए शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए कर दो हम पे जरा आप वैसी कृपा कर दो हम पे जरा आप वैसी कृपा धरती पर छोड़ कर जाए अपने निशान है सरस्वती माँ हे सरस्वती मा, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहाँ है सरस्वतिमा बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज जी का